या मैच मध्य प्रथम क्रमांक व द्वितीय क्रमांका हकदार कोण बनणार यासाठी आता ही लड़ाईला सुरुवात होणार आहे। नाणेफेक जिंकलाय जरूर वेंगले टीम ने आणि त्याचबरोबर आता आमंत्रित केले बैटिंग साठी पोकले कांबील या टीमला। ही लड़ाई अस्तित्वाची, ही लड़ाई गाभासाठी, ही लड़ाई आपल्या सद्वित्व स्वतःचं कौशल्य दाखवण्यासाठी आणि ही लड़ाई आहे या यंगस्टार चषकासाठी। दोन संघ आमने सामने, हे महायुद्ध रंगल जाईल। हाय होल्टेज ड्रामा, हाय होल्टेज मुकाबला, इटका जवाब पत्र सध्या देखील हा दिला जाईल। दोन आघाडीचे फलंदाज प्रारंभिक जोड़ी मैदानामध्ये दाखल झाली आहे। एक बाजूला अरुण जाधव तो दुसऱ्या बाजूला विशाल गोलंदाज कुमार सेट्टे। पहिला बॉल इथे डिलीवर झालाय, बॉल जातोय मिड विकेट रीजन मध्ये, बॉलला तिथे घेतलाय हातामध्ये आणि एक धाव एका बॉलवरती काढली जाते आहे। तर आता स्ट्राइक इन कडे विशाल आणि गोलंदाज पुन्हा एकदा कुमार वरती केला हा प्रहार, बॉल जातोय सीमारेषेच्या अगदी जवळ आणि पहिला धक्का क्रमांक बसला आहे विशाल याच्या माध्यमातून। गोल्डन डकचा शिकार, इम्पॉर्टंट विकेट म्हणता येईल कारण का आघाडीचा ज्यांनी सकाळच्या सत्रामध्ये प्रभावित केलं होतं आणि तो पाहू शकाल तुम्ही गणेश सफकालचा हा कॅच जबरदस्त। इथे काय लाजवाब कॅच, अगदी बॉल वरती नजर ठेवली, बॉल खूप हवेमध्ये होता, चर्चेचा विषय जरूर आम्हाला तुम्हाला होता पण गणेशाचा जेल लाजवाब। बॉलला जरूर आक्रमण केलं होतं आणि आता तो जड पावलांनी जात असताना फलंदाज विशाल कुमार शेट्टे नावाला साजी असा खेळ मी मगाशीच म्हटलं होतं, जेवढा जुना तांदूळ जेवढा तुम्ही धुवाल त्याला तेवढा तो खायला चविष्ट आणि तसा हा कुमार शेट्टे लाजवाब खेळ आजच्या दिवसामध्ये त्याने केलाय। आणि वेंगली टीमचे मजबूत बाजू काय असेल तर खरे अर्थाने कुमार शेट्टे। आता न्यू बॅट्समन मैदानामध्ये अजय डावखोराचा हाताचा फलंदाज ब्लॉक बॉल आणि युमेस कॅपेनेटले हिट, गोलंदाजाची कला कुमार शेट्टेचा गोलबाला। बॅक टू बॅक, बॅक टू बॅक दोन झटके लागले जात आहेत टीम अप कोपले खांबील या संघाला। आता अस्तित्वाची लढाई करायची आहे आणि पोकळे खांबील या संघाला धावा देखील जमवायचे आहेत कारण का दोन्ही टीम साठी जो इम्पॉर्टंट राहिलाय आजच्या या मॅच मध्ये देखील खऱ्या अर्थाने कुमार शेट्टे। कुमार शेट्टेची बॉलिंग खूप चांगली आहे, बॅटिंग खूप चांगली आहे आणि तोच आता इथे मैदानामध्ये राडा करत असताना अतिशय प्रभावित करत असताना प्रेक्षकांची मन जिंकलेत आजच्या दिवसामध्ये प्रत्येक मॅच मध्ये कुमार शेट्टेने। आता नवीन फलंदाज मैदानामध्ये रवाना झालाय राहुल, अजय देखील जड पावलाने गेलाय बाहेर आता आणि आता आलाय तो राहुल। हो ब्लॉक बॉल आपल्या आपल्या स्टाईलने फक्त बॉलला सन्मान दिलाय, फाइंड लेग रिजन मध्ये डीप मध्ये बॉल चाललाय आणि तोपर्यंत एकच धाव मिळतीय, एका धावेला आता समाधान मानावं लागतंय, रणांसाठी संघर्ष करावा लागतोय टीम पोकले खांबील संघाला। एक सिंगल मिळतीय, चार बॉलचा खेळ विषय संपलाय, टीमची धाव संख्या होतीये दोन धावा आणि आत्ताही तेव्हा फलंदाज स्ट्राइक इन कडे असणार आहे अरुण। अरुणने मोठा फटका जरूर खेळण्याचा प्रयत्न केलाय, कुमार शेट्टे बॉलच्या पाठीमागे आला होता पण कलेक्ट केलाय बॉलला एसटी रक्षक विनोद सपकाळने। 0.5 खेळ समाप्त आणि पहिल्या षटकामधला आता एक बॉल शिल्लक आहे आणि एका बॉल वरती आता आक्रमण चढवणार का फलंदाज राहुल। सेमी फायनल क्रमांक एक आणि एक ची दरम्यान ही लढत, कोणता संघ टॉप टू मध्ये प्रवेश करणार, टीम वेंगली की पोकळे खांबील। ओहो मॅच आपण बॉल जर पाहिला तर नक्कीच कुमार यांनी रनअप कमी घेतलं, गतीमध्ये परिवर्तन केलं आणि हॅफ ट्रॅकर बॉल आणि तदनंतर डाव्या एसटीच्या बाहेर बॉल चाललाय। एक सिंगल ऍड, अतिरिक्त धाव, यावेळेस मोठा फटका, दोन तीन पावलं पुढे आला, फुटवरचा वापर केला आणि दुसरा झेल गणेश सपकाळ।
ऐक्शन रिप्ले मध्ये आपण पाहू शकाल गणेश सपकाळला दोन झेल त्याने घेतलेत अजूनपर्यंत त्यांनीचही जरी कुमारने चांगली गोलंदाजी केली पण जरूर योगदान तितकंच राहिले गणेश सपकाळचं कारण का आघाडीचे फलंदाज त्यांनी बाद केला आणि तदनंतर हा बॅटिंग क्रमांक 5 साठी आला होता फलंदाज त्यालाही त्यांनी बाद केलंय एका षटकाचा खेळ संपलाय आणि एका षटकाच्या समाप्तीनंतर पोकळे खांबील संघ पोहोचलाय 4 या आकड्यावरती 4 धावा आणि आता गोलंदाज दुसऱ्या गोलंदाजाचा वापर केला जातोय सागर कोपरी एक्सप्रेसच्या नावाने ओळखणारा हा गोलंदाज आणि आता तो कशा प्रकारे गोलंदाजी करणार कुमार शेट्टे त्याच्या बॅट मधून वार झाले आणि त्याच्या गोलंदाजीवरनं गोलंदाजीमधनं हे आपण पाहिलं तर धार देखील बॉल झाले एका षटकाच्या खेळाची टीमची धावसंख्या होती 19 धावा गोलंदाज सागर तयार पहिला बॉल इथे उचललाय बॉलला तेवढी उंची आणि तेवढी गणेश यांच्या डोक्याच्या वरनं बॉल चालला डिक मिकविटच्या सीमापार तोडून फोडून भेदून बॉल चाललाय सी मार्ग पार 6 धावेसाठी गगनचुंबी गगनभेदी षटकार अरुण जाधव अरुण शिंदे पहिल्या बॉलला धाडलंय त्यांनी आणि आता आपल्या नावाचा त्यांनीही प्रचार सोडला या सेमी फायनलच्या मॅच मध्ये स्ट्रोक चांगला आहे आणि आता विचार देखील करावा लागेल कारण का अरुण शिंदे आता काउंटर अटॅकला त्यांनी सुरुवात केली टीमची धावसंख्या 19 धावा 5वा बॉल मध्ये आता पाटील काय दडलंय अजून एक सीन अरुण शिंदेच्या मोठा ब्लास्ट हाय आणि हॅन्डसम प्रेक्षणीय पटका बम 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 AK-40 स्टाईल ने केलंय टू 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 बॅक टू बॅक बॅक टू बॅक अरुण शिंदे ऑन द फायर 6 साठी षटकार लाजवाब लाजवाब मॅच कित्येक वेळा खडे चढले असतील कित्येक वेळा आसमान दाखवला असेल कित्येक वेळा जमीन दाखवली असेल कित्येक वेळा तू तू मैं केला असेल पुन्हा संघर्षाच्या लढाईला फाइन लेग रिजन मध्ये होईल का कॅच कॅच सोडलाय अरुण शिंदेचा याच अरुण शिंदेने मागच्या बॉल वरती दोन काउंटर अटॅक आणि त्या काउंटर अटॅकला यक्ष आणि आता त्याचा झेल देखील सोडलाय अरुण शिंदे आता त्याचा तो अनुभव कशा प्रकारे कॉन्फिडन्स त्याचा आता तो दुगणावला जाईल का कारण का तो पहिला फायर झालाय आघाडीचा फलंदाज हाय हार्ड हिटर फलंदाज आणि त्याला जीवदान ओ अगदी बॉल जलद गतीने टाकलाय जागेवरनं बॉल आदळला सागरने आणि बॉल चाललाय डॉट जरूर आला होता पण एक डिक्लेअर झोन मध्ये बॉल चाललाय आणि टीमची धावसंख्या होती 19 धाबा धाब फलकावरती स्कोर कार्ड अजून ऑन आहे पोकळी कांबेल टीम साठी बॅट ची लिडिंग एज घेतली जाते आतली एज लागले कुमार सेट आपलं काम बजत असताना अजून एक खात्यामध्ये जातोय सागरच्या खात्यामध्ये महत्वपूर्ण फलंदाज बाद अरुण शिंदे बॅक टू द पॅवेलियन झाले तर 19 धाबा नवीन बॅटर प्रदीप आलाय आणि त्याची आता लास्ट बॉल ओ हो खूप चांगला बॉल अगदी आपल्या उंचीचा पुरेपूर फायदा केला बॉल पिचिंग झाल्यानंतर उचली अधिक उचली घेतली बॉलनं बॅटचा संपर्क जरूर झाला आणि इथे काय घडलं जातंय इथे मैदानामध्ये धावा धाव देखील केली जाते कारण का धावा जमवायच्या आहेत आता आशिष पांडेचा निर्णय काय असणार आहे या बॉलवरती धावा आल्यात त्या 19 धाबा 3 धाब्याच्या सहाय्याने देखील धाव फलकावरती धाबा देखील जोडल्या जातील आणि टीमची धावसंख्या होती 22 धाबा बघा पहिल्या षटकाचा अखेरीस खेळ संपला होता एका षटकामध्ये धाबा जमवल्या होत्या
एकूण 3 धावा आणि तदनंतर कमालीची बॅटिंग केली अरुण शिंदेने आणि चांगल्या स्थितीमध्ये सध्या संघ आहे पोकळे खांबील। स्लॉगिंग ओवर टाकण्यासाठी शेवटचं षटक हाताळण्यासाठी गणेश सपकाळ आणि स्ट्राइक इन कडे फलंदाज स्ट्राइक इन कडे प्रदीप आणि दुसरा एंडला तेजस। तर गोलंदाजीसाठी इथे तिसरा षटक घेण्यासाठी आलाय गणेश सपकाळ। टीमची धावसंख्या 23 धावा। हॅप ट्रॅकर त्याला पुल करण्याचा प्रयत्न, एक धाव जरूर मिळतीय। क्षेत्रशेक आहेत तिथे, चुकी करणार नाहीत। एक सिंगल मिळतीय, एका सिंगलच्या मदतीने आता धावा झाले एकूण 23 धावा। दोन षटकांच्या अखेरीस 22 धावा आणि आता 23 धावा। आता स्ट्राइक इन कडे असणार आहे प्रदीप तेजस आणि दुसऱ्या एंडला प्रदीप। मोठा फटका, एज लागलीय आणि डिक्लेअर झोन मध्ये बॉल चाललाय। तेजस काउंटर अटॅक करण्याचा प्रयत्न करतोय तेजस आणि एक सिंगल मिळतीय। टीमची धावसंख्या होती 24 धावा। धाव फल स्कोर कार्ड अजून ऑन आहे टीम पोकळे खांबील संघासाठी। यावेळेस ब्लॉक बॉल खेळून काढलाय अगदी हार्दिक पांड्याच्या स्टाईलने, अगदी दोन ढेगांच्या मधून बॉल चाललाय आणि एक धाव मोबा त्या मदतीने एक धाव अजून मिळतीय, म्हणजे दोन धावा या बॉल वरती। धावा झाल्यात त्या 26 येणाऱ्या आता टुटू गो असा खेळ। तीन बॉलचा खेळ अजून विशेष बाकी आहे आणि तीन बॉल मध्ये धावा मजल किती मारणार तेजस आणि त्याचबरोबर प्रदीप। तेजस स्ट्राइक एंडला पुन्हा एकदा, ओहो स्ट्रॅप शॉट खेळलाय, कव्हरच्या दिशेला बॉल चालला डीप एक्स्ट्रा कव्हरचा। क्षेत्रक्षक येतोय बॉल वरती वेगानं आणि तोपर्यंत एक सिंगल, म्हणजे स्लॉगिंग ओव्हर मध्ये खूप चांगली गोलंदाजी अजून केली आहे। 27 धावा, धाव फलकावरती अजून पर्यंत। जमिनीची बाजू जरूर आहे कारण का गोलंदाजी खूप चांगली आहे पोकळे खांबील या टीमची। तर बॉलर तयार गणेश सपकाळ। हो हो हो, काय होईल काय घडेल, मिस झालाय आता प्रदीप। एक्सलंट गुड डिलिव्हरी म्हणता येईल गणेश सपकाळची। शेवटचा बॉल असावा आणि शेवटच्या बॉल वरती आता प्रदीप आक्रमण चढवेल का। अजून एक बॉल येतोय, पंतांचा इशारा येतोय, बॉल जातोय डॉट आणि तीन षटकाच्या समाप्तीनंतर पोकळे खांबील संघ पोहोचलाय 27 धावेंवरती। 28 धावेंचं मापक लक्ष ठेवले टीम वेंगले संघासमोर। Thank you.
तो 18 गेंदे और जीतने के लिए 28 रन की आवश्यकता और बल्लेबाज यहां पे कुमार सेट्टी मैदान के तौर पर स्ट्राइक इनके ऊपर और दूसरे छोर पर विनोजी सपकाल और गेंदबाज यहां पे अजय। 18 गेंदे जीतने के लिए 28 की आवश्यकता इस मैच के सेमीफाइनल जो क्रमांक पहला जो बीचों बीच दो टीम ने आमने सामने विंगले बनाम पोकले खामिल पुकले खामिल ने 3 ओवर में बनाए 27 रन और 28 रन के लिए दो बल्लेबाज यहाँ पे हार्ड हिटर जाते हुए मैदान की तरफ। पहली गेंद यहाँ पे अजय की पहली गेंद में यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे डिप्यू क्रिकेट का क्षेत्र से यहाँ पे खिलाड़ी तैनात है। फाइनल की रीजन में एक ही रन मिलेगा इस गेंद के ऊपर जो कि बिल्कुल यहाँ से जो अच्छी बात है क्योंकि पुकले खामिल की गेंदबाजी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया गेंदबाजी वेरिएशन है गेंदबाज में और कम से कम दो मैच में इन्होंने रन दे चुके हैं और आने वाले गेंद भी ऐसे ही डालेंगे जो पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी और गेंदबाज के दम के ऊपर ये दो मैच जीते थे। इस बार देखिए तंदुरुस्त इस शॉट के खेला नजर कर ताकतवर शॉट यहाँ पे खिलाड़ी तैनात और विनोद सपकाल का यहाँ पे पहली गेंद दूसरी गेंद पे अंत होता और पहला झटका लगता हुआ टीम विंगले टीम को। तीसरे मैच में देखा जाएगा तो पहला विकेट महत्वपूर्ण मैच इस दोनों टीम के लिए और यही जो अच्छी बात है बिल्कुल जो तगड़ी बाजू है इस टीम की पुकले खामिल टीम की गेंदबाजी बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है वेरिएशन है गति में परिवर्तन करते हैं और गति में परिवर्तन किया और पहले
के साथ अनुमान लगाया फुल टॉस गेंद के ऊपर, संयम के साथ बैटिंग करते हुए कुमार सेट्टी। फुल टॉस गेंद भेजना चाहते थे लॉन्ग ऑफ के सर से, पर लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी तैनात। और ये देखिए, ये कैच देखिए, कमाल का कैच और महत्वपूर्ण, जिस कुमार सेट्टी की हम बात कर रहे थे एक्शन रिप्ले में देखेंगे। फुल टॉस गेंद थी लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से, और जानते थे कुमार सेट्टी ये कैच है, और ये आसानी के साथ इस कैच को देखिए डबल में यहाँ पे अटैक किया। और ये ऐसा कैच देखने के लिए अंतरराष्ट्रीय में देखने के लिए मिलते हैं, और मूवमेंट देखिए इस कैच का, और पहली बार इस प्रतियोगिता में आउट हो चुके हैं। पर देखिए एक्शन रिप्ले में आप देखते हैं ये खिलाड़ी की ये तजुर्बा, ये कैच लेने के बाद ये खुशी का जश्न, ये खुशी का लहर देखिए इस खिलाड़ी के। पहली बार हाथ से कैच यहाँ पे फिचर लिया, उसके बाद डाई लगा के देखिए मूवमेंट, एक्शन रिप्ले मोमेंटम आप देख सकती है, ये कमाल का कैच, मोमेंटम देने वाला और इस बचाव देने वाला ये कैच, यानी कि इस संजीवनी देने वाला कैच पोकले खामबिल टीम को। बिल्कुल तारीफ करूंगा इस खिलाड़ी की। एक ओवर के समाप्ति के बाद बेंगले टीम का यहां पे स्कोर हो चुका है फिलहाल बारह रन। गेंदे बची है अब 12 और जीतने के लिए 16 की आवश्यकता। अब गेंदबाज और स्ट्राइक गेंद के ऊपर सागर, और दूसरे छोर पर प्रशांत सेट्टे, और गेंदबाज यहां पे आ चुके हैं राहुल। इन्होंने ही दो कैच पकड़े हैं राहुल ने, और अब रन बचाना चाहते हैं और वेंगले टीम रन बनाना चाहते हैं। कौन सी टीम हावी डरेगी, कौन सी टीम इस प्रतियोगिता में अपना अस्तित्व रखेगी, और कौन सी टीम यहाँ पे बाहर जाएगी। जब कोई हारेगा तब कोई जीतेगा, जब कोई जीतेगा तब कोई हारेगा। ये हाथ जीर की यहाँ पे लड़ाई है, और ये लड़ाई में जो जीतेगा एक ट्रॉफी का हकदार बनेगा। एक रन कंप्लीट होता हुआ, एक रन के साथ यहाँ पे संयम यहाँ पे खेल दिखाते हुए अनुमान लगाना चाहेंगे टीम वेंगले, और उसी के साथ देखा जाएगा तो टीम का टोटल स्कोर गार्ड के ऊपर 13 रन। फिर एक बार राहुल, राहुल इस राहुल ने आज करिश्मा किया है। ओहो, एक स्लैंड गुड डिलीवरी पर गेंद जाती ऑफ स्टंप के बाहर, और एक रन मिलता हुआ टीम वेंगले टीम को। अब बिल्कुल यहां से कोई टीम यहां पे जितने आप गलती करेंगे उतने आप इस प्रतियोगिता से बाहर जाने का रास्ता देखेंगे। बड़ा स्ट्रोक है, बिल्कुल यहां पे स्ट्रोक लगाना चाहते थे, पर एक डिक्लेयर जोन में जाता हुआ आशीष पाटे कहते हुए एक रन, और एक रन के साथ यहां पे दोनों बल्लेबाज संतुष्ट होते हुए, और टीम का टोटल वेंगले टीम अब जाती हुई 15 रन पर। 10 गेंदे जीतने के लिए 13 की आवश्यकता। इस मैच में देखा जाएगा तो हर एक बड़ा शॉट इस मैच को काफी नजदीक ला सकता है, और हर डॉट गेंद इस मैच को जीवित रख सकती है पोकले खामबिल टीम को। किस तरीके से अब इस मैच को देखा जाएगा तो किस तरीके से हैंडल करेंगे दोनों बल्लेबाज, जिस तरीके से सिचुएशन है, जिस तरीके से गेंद आएगी उसको आपको अच्छी तरह से मैनेज करना है। यानी कि अब देखा जाएगा तो फिलहाल बैटिंग करने वाले टीम के पक्ष में है यह मैच। मीटिंग 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 लेते हुए देखिए, क्योंकि अब थोड़ा सा दबाव है बिल्कुल, पर इस कैच के बारे में गेंद चेक कर रहा है, बिल्कुल सही अनुमान लगाना है बॉल के ऊपर सागर और बल्लेबाज प्रशांत सेट्टी को। कुमार सेट्टी आउट होने के बाद जो बिल्कुल ऐसा लगता था कि ये बादल है, और बादल को रोक लिया राहुल ने, और अच्छी गेंदबाजी की बिल्कुल गेंदबाज अजय। गेंदबाज फिर एक बार तैयार, ओहो इस बार देखिए उछाल थी और गेंद में, और उछाल के कारण अब फिर एक बार ऑफ स्टंप पे बाहर गेंद जाता हुआ, एक रन जरूर मिलता हुआ खाते में टीम के ऊपर, और 10 गेंदे और 12 की आवश्यकता। बड़ा स्ट्रोक आ चुका है, और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद जाती हुई डिक्लर जोन में। बिल्कुल यहाँ पे लंबी छक्का लगाना चाहते हैं यहाँ पे
बल्लेबाज प्रशांत सेट्टे, एक रन मिलता हुआ और एक रन के साथ या की मदद के अनुमान लगाया था बल्लेबाज में, पर आउटफील्ड वहां पे थोड़ी सी खराब है और उसी के कारण यहाँ पे मोहम्मद ना मिलता हुआ टीम बोकले खामिल को और एक रन के यहाँ पे बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन। नौ गेंदे और जीतने के लिए अब 11 की आवश्यकता। मैच दोनों तरफ से यहाँ पे आने, यहां से भी एक आध विकेट, और ये क्रिकेट में इतनी गलती भैया कभी नहीं चलती। लगातार बार बार यहाँ पे वाइड डाल रही है और ऐसे मोमेंटम मैच में, इस मैच में, सेमीफाइनल के मैच में आप गलती नहीं कर सकते। अभी तक 3 वाइड और 3 गेंदे अच्छी। ओह, इस गेंद लाइन लिंग सटीक, ऐसी गेंद आप डालेंगे तो बिल्कुल आप बच भी सकते हैं और वापसी भी कर सकते हैं इस मैच में। अब जानेंगे बिल्कुल पोकले खामिल, हमने पिछले मैच में देखा पोकले खामिल टीम ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी, पर इस मोमेंटम मैच में थोड़ी से कमजोर पड़ते हुए। पर इस बार देखिए कॉटन इज बोल्ड, ये तीसरा कैच राहुल का, थोड़े से दबाव में थे बिल्कुल। अब मोमेंटम बदला है, इस मैच का नतीजा बदला है, क्योंकि गेंदबाजी इस टीम के बाजू में दम है तो काहे का भैया गम है। और एक कैच देखिए, 3 कैचेस महत्वपूर्ण बल्लेबाज को यहाँ पे चलता किया राहुल 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 राहुल। अब मीटिंग बिल्कुल ले चुकी है, क्योंकि मीटिंग लेना इस मोमेंटम मैच में बहुत जरूरी है। अभी गेंदे बची है 7 और 7 में रन बनाने हैं 10। भैया अब बस जोखिम तो उठाना पड़ेगा, स्कोर कार्ड के ऊपर रन हो चुके हैं 18, 10 की आवश्यकता। अब नए बल्लेबाज के ऊपर बिल्कुल प्रेशर रहेगा, क्योंकि हाई टेंशन ड्रामा, हाई टेंशन मुकाबला, जो जीतेगा वो एक ट्रॉफी का हकदार बनेगा। अब गणेश सपकाल काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी, अनुभव खिलाड़ी यहाँ पे मैदान पे तौर पर जाते हो, पर युवा एक खिलाड़ी राहुल की मैं बिल्कुल तारीफ करूंगा। ओहो, बिल्कुल यहाँ पे बैकफुट के आए थे और उसी के साथ देखा जाएगा तो और एक गलती यहाँ पे करते हुए राहुल, जो पिछले हमने 2 गेंदे देखी बहुत अच्छी डाली थी, पर उसके बाद एक खराब बॉल आपके इस प्रतियोगिता से बाहर लेकर जा सकता है। फिर एक बार लगातार बार बार वाइट का निशाना लगाते हुए गेंदबाज, सही नियंत्रण से गेंदबाजी करनी पड़ेगी और यही यहाँ पे फायदा होता हुआ बैटिंग। ये 5वां वाइड राहुल, कैच बिल्कुल यहाँ पे अच्छे लेते, लास्ट गेंद हवा में, गेंद जरूर है खिलाड़ी यहाँ पे 4-5 पूरी टीम के साथ, और राहुल ने प्रयास बिल्कुल किया था पर 2 रन यहाँ पे आसानी के साथ यहाँ पे निकल चुके सागर और गणेश। अब 7-6 गेंदों का मैच यहाँ पे बचा है और 6 गेंदों में रन बनाने हैं बिल्कुल 6, और टीम का यहाँ पे टोटल स्कोर हो चुका है, वेंगले टीम 3 विकेट के नुकसान पर पहुंची है 2 ओवर के बाद 22 रन। अब बिल्कुल मोमेंटम यहां से जो वाइड गेंदे डाली वही से यहां से देखा जाएगा तो इस प्रतियोगिता के जब बाहर जा सकती है पोकले खामिल की राहुल के वजह से। पहली कैच देखिए राहुल की बिल्कुल लॉन्ग ऑफ की तरफ, उसके बाद के एक्शन रिपनेल में, दूसरी कैच कुमार सेट्टे की, 1-2 में किया यहाँ पे अटेंड इस कैच को, पहली बार छूटा, दूसरी बार छगान लगाई और डाई मार्को ये पकड़ लिया कैच, और तीसरी कैच देखिए कि जो कॉटन बोल्ड प्रशांत सेट्टे की, जो गेंद के बिल्कुल यहां से देखा जाएगा तो प्रशांत किस तरीके से, देखिए तीसरा कैच राहुल का इन एक्शन, खुद दौड़ के गए, वेट ऑन वॉच किया इस गेंद को और पकड़ लिया। पर राहुल शेट्टे का ये बिल्कुल ये राहुल का और थोड़ा सा महंगा जाता हुआ। अब गेंदे बचे 6 और 6 में बनाने हैं वेंगले टीम को 6, एक गेंद इस मैच को पूरे खत्म कर सकता है और हर डॉट गेंद इस मैच को वापसी ला सकता है। 6 गेंदे और जीतने के लिए 6 की आवश्यकता। गेंदबाज यहाँ पे अजय, ओहो, इस बार देखिए अंपायर का इशारा, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद जाता हुआ, वाइड मिलता हुआ, और हमने देखा था इस टीम के बाजू में दम कम क्या है पोकले खामिल गेंदबाजी, और गेंदबाज के प्रदर्शन बिल्कुल प्रभावित किया था पिछले 2 मैच में, पर अब थोड़े से यहाँ पे मुश्किल और दबाव में आते हुए दूसरी गेंद।
फुल टॉस, लो फुल टॉस, गेंद पर नहीं पाए। देखिए आत्मविश्वास के साथ ये गेंद जाते हुए डॉट। मैंने पहले कहा था एक हिट इस मैच को खत्म कर सकती है और हर एक डॉट गेंद इस मैच को वापसी ला सकता है। अजय की पहली गेंद वह हिट, दूसरी गेंद आते हुए डॉट। गजब अजब, आप किस तरह कैसे करेंगे गजब। टैप शॉट खेला है इस गेंद के ऊपर, कोई रन नहीं। हमने तो बिल्कुल यहाँ पे अजब प्रेम की गजब कहानी मूवमेंट पिक्चर तो देखा होता, पर ये अजय गजब करेंगे क्या? त्याज बरोबर आमच्या कुरुशी गावचे के एसकेचा केसकेचा बुलंदा आवाज, आमचे सहकारी मित्र, आमचे मार्गदर्शक, आमचे गणेशजी शिंदे साहेबांचं इथं शुभागमन झालेलं आहे। या स्पर्धेमध्ये आपलं शब्द सुनण्याचं स्वागत आहे। आपण व्यासपीठावरती या बा। ये देखिए ब्लॉक ऑन की गेंद, अजय की ये गजब कहानी हो सकती है और एक डॉट मोमेंटम बदला, इस मैच को बदला अजय ने। पहली गेंद बिल्कुल जरूर डाली थी और डैमेज गेंदबाजी की थी राहुल ने, पहली गेंद डैमेज जरूर डाली थी पर उसके बाद कमबैक की वापसी बहुत ही बढ़िया नियंत्रण के साथ पे गेंदबाजी, अचूक लेन लाइन टप्पा सही घर्षण मैदान के तौर पर। बिल्कुल मराठी मधलं म्हटलं जातं की आता हिरव्या गवताला फक्त कांडी फक्त आग लावली होती, फक्त आग लावली आणि आता जी अजयकडे ती ताकद आहे की आता वणवा पेटवायची आणि आता खरा वणवा देखील पेटलाय मैदानामध्ये, तो वणवा पेटायलाय खरा गोलंदाज अजयने। आग लागली होती, चिंगारी लागली होती आणि आता त्या आगेचा वणवा देखील झालाय। हिरव्या गवताला आग वणवा लागणी क्षमता या अजयने ठेवले। गेंदे बची अब फिलहाल दो और दो में बनाने है पांच। मोमेंटम बदला, एक क्रिकेट जैसा रंग बदलता है, पॉलिटिक्स जैसा रंग बदलता है, ये तो क्रिकेट है और क्रिकेट ऐसा ही रंग बदलता है। फुल टॉस, गेंद पर पाए बल्लेबाज, बिल्कुल यहाँ पे कवर का खिलाड़ी तैनात। एक रन मिला है, दूसरे रन की मांग है और दूसरी रन यहाँ पे कंप्लीट करते हुए तीसरे भी रन जोखिम लिया है बिल्कुल दोनों बल्लेबाज में और दो रन मिलेंगे, तीन रन मिलेंगे। बिल्कुल जो अभी दर्शक है जो बैठे वो खड़े हो जाएंगे, कौन हकदार बनेगा? आने वाले गेंदी है एक और एक में बनाने हैं दो। मीटिंग 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 अब लेना चाहेंगे टीम बिल्कुल पोकले खांबील, यही दमखम है पोकले खांबील का। और पोकले खांबील की बिल्कुल हमने जो दो मैच देखे थे बाजुओं में दम है बिल्कुल, जो मजबूत बाजी है बिल्कुल, गेंदबाज का काउंटर अटैक। एक गेंद जीतने के लिए दो की आवश्यकता, छह गेंदें रुकी थी, छह गेंदों में बनाने चाहने थे, छह रन पर कुछ नहीं कर पाए, कर पाए फिलहाल बिल्कुल अजय। टाइम मत लीजिए आप, नो मीटिंग नो टाइम पास ओनली फाइटिंग। चलो जल्द से जल्द, बारिश का यहाँ पे टाइम हो चुका है। बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, एक गेंद जीतने के लिए दो की आवश्यकता। कौन सी टीम यहाँ पे स्ट्राइक के ऊपर गणेश, मैच देखा जाएगा तो दोनों टीम को यहाँ पे टॉस नहीं लगाते हुए मैच होता हुआ। पास पुस पास पुस पास पुस पास पुस, बिल्कुल यहाँ पे फील्ड में बदलाव कर चुके बिल्कुल गेंदबाज। एक गेंद और जीतने के लिए दो की आवश्यकता। दोस्तों मैच पसंद हो तो एक बार ठेवावं लागतं आणि एका टीमला त्या स्पर्धेच्या बाहेर जावं लागतं। खूप चांगलं इथे फायनल फायनलच्या मॅच मध्ये धडक मारले वेंगली संघानं। मी थोडासा थांबतो आणि ऐकूया आपण के एस के प्रतिष्ठानचा बुलंद आवाज, आमचे मार्गदर्शक